नमो नमः बच्चों, आज आप सभी काव्यांजलि के अंतर्गत पाठ 3 भरत महिमा के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय एवं उनकी साहित्यिक उपलब्धियां पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास। बच्चों, सर्वप्रथम तुलसीदास जी के का जीवन परिचय जो है वो संक्षिप्त रूप से जान लीजिए। नाम गोस्वामी तुलसीदास, जन्म 1532 ईस्वी, जन्म स्थान राजापुर गांव, माता का नाम तुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली। शिक्षा संत बाबा नरहरिदास ने, भक्ति की शिक्षा वेद वेदांग, दर्शन इतिहास पुराण आदि की शिक्षा दी। भक्ति राम भक्ति, प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरित मानस, उपलब्धि लोकमानस कवि। साहित्य में योगदान, हिंदी साहित्य में कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति। मृत्यु 1623 ईस्वी में। अब विस्तृत जीवन परिचय एवं साहित्य उपलब्धियां समझिए बच्चों। जीवन परिचय एवं साहित्य उपलब्धियां। भारतीय संस्कृत के उन्नायक तथा राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा जिला के सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। जन्म के कुछ दिनों बाद ही माता की मृत्यु हो जाने पर अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण पिता ने इनका त्याग कर दिया। इसी दशा में इनकी भेंट रामानंदी संप्रदाय के साधु नरहरिदास से हुई, जिन्होंने इनको साथ लेकर के विभिन्न तीर्थों का भ्रमण किया। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कुछ समय के पश्चात तुलसीदास स्वामी जी के साथ काशी आ गए, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग, दर्शन इतिहास पुराण आदि में निष्णात कर दिया, अर्थात प्रवीण कर दिया, कुशल कर दिया। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ, जिनके रूप पर ये अत्यधिक आसक्त थे। पत्नी के एक व्यंग से आहत होकर ये सन्यासी हो गए और काशी आ गए। लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने समस्त भारत का भ्रमण किया और ये कभी अयोध्या, कभी चित्रकूट, कभी काशी में निवास करते रहे। काशी में ही 1623 ईस्वी में 80 घाट पर इनकी पार्थिव लीला का संवरण हुआ, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। कृतियां या रचनाएं। महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली रामलला नहुछु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोकगीत की सोहर शैली में इस ग्रंथ की रचना की थी। यह इनकी प्रारंभिक रचना है। दूसरी है वैराग्य संदीपनी। इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में
छह छंदों में मंगलाचरण तथा दूसरे भाग में संत महिमा वर्णन एवं तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन है। रामाज्ञा प्रश्न। यह ग्रंथ सात सर्गों में विभाजित है जिसमें शुभ अशुभ शकनों का वर्णन है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। चौथी रचना है जानकी मंगल। इसमें कवि ने श्री राम और जानकी के मंगलमय विवाह उत्सव का मधुर वर्णन किया है। पांचवी रचना है श्री रामचरितमानस। इस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। छठी रचना है पार्वती मंगल। यह मंगल काव्य है। इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता का गुण भी विद्यमान है। सातवीं रचना है गीतावली। इसमें 230 पद संकलित हैं जिसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। कथानक के आधार पर ये पद सात कांडों में विभाजित है। आठवीं रचना है विनय पत्रिका। इसका विषय भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है। इसमें तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं। इसमें तुलसीदास की भक्ति भावना की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। नवी रचना है श्री कृष्ण गीतावली। इसमें 61 पदों में कवि ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन किया है। दसवीं रचना है बरवई रामायण। यह तुलसीदास की स्फुट रचना है जिसमें श्री राम कथा संक्षेप में वर्णित है। बरवई छंदों में वर्णित इस लघु काव्य में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। ग्यारहवीं रचना है दोहावली। इस संग्रह ग्रंथ में कवि की सूक्त शैली के दर्शन होते हैं। इसमें दोहा शैली में नीति भक्ति और राम महिमा का वर्णन है। बारहवीं रचना है कवितावली। इस कृति में कवित्त और सवैया शैली में राम कथा का वर्णन किया गया है। यह ब्रज भाषा में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। बच्चों, ये तो जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के विषय में आपने जाना। अब काव्यगत विशेषताएं समझिए। भाव पक्ष। भक्ति भावना। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है जिसमें पूर्ण समर्पण एवं अनन्य भाव से स्वामी की भक्ति की जाती है। दूसरा, समन्वय भावना। तुलसीदास ने भक्ति ज्ञान एवं कर्म तीनों में समन्वय स्थापित किया है। शिव एवं राम को एक दूसरे का उपासक बता करके तत्कालीन शैव वैष्णव विद्वेष को समाप्त किया है। तीसरा, आदर्श राम राज्य की कल्पना। इन्होंने रामचरितमानस के द्वारा व्यक्ति स्तर से लेकर समाज स्तर तक के समस्त अंगों का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। चौथा, सामाजिक दृष्टिकोण। जनमानस के समक्ष सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का उच्चतम आदर्श रखना ही इनका काव्य आदर्श था। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा शैली अलंकार रस एवं छंद पढ़ेंगे बच्चों। भाषा के प्रकांड विद्वान तुलसीदास जी की रचनाओं में काव्य भाषा के रूप में ब्रज एवं अवधि दोनों का प्रयोग हुआ है और इनका दोनों पर समान अधिकार था।
रामचरितमानस में अवधि भाषा तो विनय पत्रिका कवितावली गीतावली आदि में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित है जिसमें संस्कृत की कोमल कांत पदावली की मधुर झंकार है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा के प्रभाव में विशेष वृद्धि हुई है। शैली काव्य रूप में तुलसीदास जी ने मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रूपों में समान अधिकार दिखाया है। इनके गेय पद लालित्यपूर्ण तथा प्रबंध रचनाओं में जीवन की सर्वांगीणता है। तीसरा अलंकार रस एवं छंद तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सहज एवं स्वाभाविक रूप में किया है। पात्रों के गुण एवं स्वभाव के चित्र में इन्होंने उत्प्रेक्षा रूपक उपमा उदाहरण दृष्टांत आदि अलंकारों का खुलकर प्रयोग किया। इनके काव्य में शांत रस प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुआ है परंतु श्रृंगार रस की अद्भुत छटा भी देखने योग्य बनती है। प्रसंग के अनुसार करुण रौद विभत्स भयानक अद्भुत हास्य आदि रसों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी ने दोहा सोरठा चौपाई एवं हरि गीतिका छंदों का प्रमुखता से प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में स्थान गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि है। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा गया है। इसके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति हुई। मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की निम्न उक्ति उन पर बिल्कुल सटीक उतरती है। कविता करके तुलसी ना लसे कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जा सकता है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। बच्चों आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय उनकी कृतियां काव्यगत विशेषताएं हिंदी साहित्य में उनका स्थान इस विषय में आपने आज पढ़ा। इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों धन्यवाद।